सुबह सुबह दुल्हन को उठाकर पपीज को खाना खिलाने जाता हूँ। पपीज मुझे देखकर पूंछ हिलाने लगते हैं। इनको खाना खिलाकर अंदर घर में सुलाकर फिर मैं प्लूटो की दवाई लेने निकल जाता हूँ। स्टोर के पास बॉक्सेस के ऊपर चढ़कर एक पपी सो रहा था। फिर दवाई लेकर दोस्त से मिलकर घर आता हूँ। घर आते ही देखता हूँ कि एक पपी मरा पड़ा है, मुँह से खून निकल रहे हैं। बहुत दुख होता है ये देखकर। इतने दिनों से इनको मैं पाल रहा था। फिर मैंने पता करा तो पता चला कि कोई बदतमीज इसके ऊपर कार चढ़ाकर भाग गया। मैं तो बस ये कहना चाहूंगा, जब एक रोटी देने की औकात ना हो तो मारा भी मत करो जनाब। इन जानवरों का भी परिवार होता है। फिर मैं इसको गड्ढा खोदकर अंतिम विदाई देता हूँ। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। बस अब ये तीन ही रह गए हैं। फिर तभी एक को तो मैं आंटी को अडॉप्ट करने के लिए देकर आता हूँ और इन दोनों को अपने घर ले आता हूँ। फिर मैं इनकी मम्मी को पकड़ कर लाता हूँ। फिर इनको और इनकी मम्मी को खाना खिलाकर मैं प्लूटो के बिस्तर में इन दोनों को सुला देता हूँ। तभी प्लूटो नाराज होकर बाहर बैठ जाता है। फिर मैं और डॉग्स को खाना खिलाकर आता हूँ। तभी बंदर भी आ जाते हैं, तो बंदरों को भी खाना खिलाता हूँ। फिर मैं प्लूटो को बेड पर अपने साइड में ही सुला देता हूँ। दोस्तों गाड़ी चलाते हुए रोड पर इनका ध्यान रखा करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में।